हेलो दोस्तों, मैं मानसु कुमार, आप देख रहे हैं हेमा ग्राफिक्स। तो आज की इस वीडियो में आप कॉरल ड्रॉ के अंदर कुछ इस तरीके का एक 3D डिजाइन कैसे क्रिएट करते हैं, तो आज की इस वीडियो में आप यही सीखेंगे। तो चलिए बिना बात की वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ से एक पॉलीगन टूल लेना है जिसका शॉर्टकट की है वाई, और इसमें हम यहाँ पे हम लोग 6 यानी कि 6 को टाइप करके और कंट्रोल प्लस शिफ्ट को इस तरीके से दबा के इस तरीके से एक शेप को क्रिएट करेंगे। उसके बाद इसको रोटेट कर लेंगे इस प्रकार से, ठीक है। कुछ इस तरीके का हो जाने के बाद यहाँ से एक फ्रीहैंड टूल लेंगे और इस प्रकार से, और इसमें थोड़ा सा हम इतना लंबा एक लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। तो अभी इसका कॉपी करना है, तो कॉपी करने के लिए कीबोर्ड में न्यूमेरिकी के तरफ एक प्लस का की होगा, उसको प्रेस करके आप कॉपी कर लीजिएगा। उसके बाद कॉपी कर लेने के बाद इसको कंट्रोल को दबाए रखना है ताकि ये लाइन जो है प्रॉपर सीधा जाए कुछ इस तरीके से। इतना जाने के बाद कंट्रोल के साथ डी करेंगे तो डुप्लीकेट होगा। तो कुछ इस तरीके से कंट्रोल डी के साथ प्रेस करके आपको आसानी से इस तरीके से क्रिएट कर लीजिएगा। और एक बार क्या करना है, इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से कंट्रोल के साथ जी करेंगे तो ग्रुप हो गया ये पूरा भी, और इसको सेलेक्ट करके एक बार सी और एक बार ई करेंगे, सेंटर अलाइनमेंट हो गया। और अभी क्या करना है, शिफ्ट को दबाए रखेंगे और इस तरीके से इसको बड़ा करेंगे, फैलाएंगे यानी। तो अभी इतना जाने के बाद क्या करना है, इसका फिर से हम लोग रोटेट करेंगे और यहाँ से रोटेट करेंगे कॉपी करके। कुछ इस तरीके से रोटेट कर लेने के बाद यहाँ से आपको क्या करना है, क्रॉप टूल के नाइप टूल के जस्ट नीचे वर्चुअल असेसमेंट डिलीट टूल होगा, उसको ले लेना है। और उसके बाद आपको इस तरीके से इसको कट करना है, देख सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ ये कट होगा। हाँ, तो कुछ इस तरीके से कट कर लेने के बाद यहाँ से आपको क्या करना है, स्मार्ट फिल टूल में जाना है और यहाँ से इस तरीके से इसके अंदर में हम एक कलर को फिल कर लेंगे बहुत ही आसानी से और ये सब को डिलीट कर लेंगे। तो डिलीट हो गया। उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ से इंटरेक्टिव फिल टूल लेना है जिसका शॉर्टकट की है जी, और इस तरीके से ऊपर वाले को सेलेक्ट करेंगे और इसमें आप कौन सा कलर देना चाहते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। तो आपको दिखाते हैं कि हम यहाँ से ब्लैक कलर को डाल लेते हैं, फिलहाल अपने मुताबिक हम कलर को डालेंगे, आप अपने हिसाब से डालिएगा फ्रेंड्स। और इस तरीके से हो जाने के बाद क्या करना है, अभी यहाँ पे आपको कंट्रोल के साथ आर करेंगे सेलेक्ट करके, तो रिपीट होगा ये, और इसमें भी कंट्रोल के साथ आर करेंगे रिपीट हो जाएगा। इसको थोड़ा सा भी ऊपर करते हैं हम, और इसमें भी हम लोग दूसरा कलर को डालते हैं कुछ इस तरीके से, और इसमें भी रिपीट करके आपको सिर्फ एडजस्ट करना है, ठीक है। इतना हो जाने के बाद आपको क्या करना है, इस तरीके से इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से सेट आउटलाइन कलर पे क्लिक कर देंगे तो ये क्या होगा, आउटलाइन रिमूव हो गया है। तो आप बेहद आसानी से आप 3D डिजाइन कर सकते हैं कॉरल ड्रॉ के अंदर। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा, अगर हेल्पफुल रहा तो लोग प्लीज लाइक शेयर कीजिएगा, और ये चैनल अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।